स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो चार स्टॉक्स हैं उसमें एक तो गेल। अच्छा, कल मैंने तीन गैस स्टॉक बताए थे हमने, IGL, MGL, गुजरात गैस, तो वो गिरे नहीं, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर गए, ग्रीन में फ्लैट से या ग्रीन में थोड़े थोड़े बंद हुए। तो आज भी मैं उनको डालना चाहता, लेकिन लोग कहते हैं कि यार वो जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि रेड में होना चाहिए, वो हो ग्रीन मेरा, लेकिन मेरा अभी 100% ये बिलीफ है कि वो स्टॉक गिरेंगे ही गिरेंगे, तो आज के लिए अवॉइड। लेकिन आज गेल मैंने दिया, गेल इसलिए क्योंकि इनको फ़ायदा हो रहा है, बहुत तगड़ा फ़ायदा हो रहा है इनको, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है स्पॉट और फ्यूचर में, तो उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गेन है और आगे जाते हुए भी इनको गेन बना रहेगा, इसलिए गेल लिया। लेकिन वो अगले दो स्टॉक अभी आज के 30 तारीख हो गई ना, और मैं उनको कल फिर मेंशन करूंगा कि देखिए कैसे बढ़ता है। तो एक ये और तीन स्टॉक जो हमारे वो मेटल के हैं, एल्युमिनियम के, नॉन फेरस, हिंडाल्को, नालको, वेदांता, इसलिए क्योंकि अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट में तो एल्युमिनियम के प्राइसेस बहुत शार्प फॉल आई है कल, वही कारण डी एस्केलेशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये भी एक टेक्निकल सेटअप के तहत है कि चूँकि बहुत तेज़ गिरावट हुई है तो शायद इनमें थोड़ा थोड़ा मूव यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखे, अदरवाइज फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है, हो सकता है दोपहर के बाद ये फिर से ग्रीन होना शुरू हो जाए, तो वो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन चूंकि मार्केट के साथ चलना चाहिए आपको, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तीनों एल्युमिनियम कंपनीज रेड में होनी चाहिए आज। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, इसको सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आज कल में अच्छा मूव आना चाहिए, अब एक पिछले कुछ दिनों के साइडवेज मूवमेंट के बाद। क्यों आना चाहिए? कल हो जाएगी 31 तारीख, कल हो जाएगी मंथली एक्सपायरी, कल की एक्सपायरी के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स का इंक्लूजन हो जाएगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स निफ्टी में। निफ्टी में इंक्लूजन ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है कि कई सारे पैसिव फंड्स के फ्लोज जो बेंचमार्किंग करते हैं निफ्टी के साथ, वो कल की क्लोजिंग से, कल की क्लोजिंग के आसपास से वो अपने रीएडजस्टमेंट्स करेंगे, तो IOC बाहर जा रहा होगा, उससे पैसा निकल रहा होगा, अपोलो हॉस्पिटल में इंक्लूजन का पैसा आ रहा होगा। मुझे लगता है अगले आज और कल ये स्टॉक हम रखेंगे अपने रेडार पे, उन होपफुली उन पैसिव फ्लोज के चलते। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको डिफेंस मिनिस्ट्री से, भारत सरकार से कह लीजिए, ऑर्डर मिला है 1993 करोड़ का, ये भी काफी लंबे अरसे से एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ, खबर अच्छी। ONGC, हालांकि क्रूड गिर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक लेता, ऐसा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ONGC को मेंशन करूंगा, और एक तो क्रूड कूल ऑफ होना ठीक है अपनी जगह, दूसरा आज वो OFS होना है जिसमें 1.5% स्टेक सरकार बेचती हुई नजर आएगी, ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे होगा, ग्रीन शू के लिए तो मुझे लगता है इसमें फिर सरकारी इंस्टीट्यूशंस की मदद भी लगती हुई नजर आएगी, तो ये थोड़ा सा दबाव में रहेगा, पर इसके लिए आज के बाद एक बढ़िया टेलविंड आएगा इनकी कहानी, कल से वो गैस की कीमतें जब बढ़ेंगी तो ONGC के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी दरअसल उस गैस प्राइस हाइक का यही होने वाला है, तो सिर्फ ये आज के लिए, और बहुत ज्यादा गैप डाउन हो तो छोड़ देंगे हम लोग इस स्टॉक को, ये फिर मेरी टीम में एंड में शाम को दिखा देती है हंसता वो कैसा परफॉर्म हुआ, तो इज्जत मिल जाएगी थोड़ी सी उसके चलते, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। अच्छा, एशियन पेंट्स को मेंशन कर रहा हूँ उसी क्रूड कूल ऑफ के चलते, हालांकि क्रूड बहुत मीनिंगफुली कूल ऑफ नहीं हुआ जितना कल इंट्राडे में नजर आ रहा था शाम रात में, तो ठीक है, लेकिन फिर भी एशियन पेंट्स अच्छी स्टोरी, कुछ कहने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है आज थोड़ा सा जब पुल बैक ट्रेड आ रहे हैं SGX की तरफ से, एशियन पेंट थोड़ा सा ग्रीनर ट्रेड करता हुआ नजर आया। 10-10 की टीम्स हमने पूरी कर दी है, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक क्विक इन टीम्स का रैप अप।